संघ ने जिस तरह से पर प्रहार किया है, इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे से लेकर आम जनता के बीच में पहुंच चुकी है। आखिर संघ ने बीजेपी को इस तरह से क्यों घेरा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में जिस तरह से चुनाव के बाद संघ खुलकर सामने आया, उसने बीजेपी को टारगेट किया, उसने कहा कि भाजपा के जो लोग थे दरअसल उनमें घमंड आ गया था, यही वजह है कि राम को लाने के बाद भी जीत नहीं पाए। असल में देखिए 1925 के बाद आरएसएस के बाद गठन से लेकर के आज तक इस पूरे भारत की संघीय ढांचा के निर्माण में अगर निष्पक्षता से अगर कभी आरएसएस ने टिप्पणी की है तल्ख, वो भी अपने आंतरिक संगठन पर, तो ये मैं मोहन भागवत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने दिल की पीड़ा को, अपने दिल के तड़पन को, समाज की समस्याओं को, समाज के दर्द को, समाज के आवश्यकता का अवलोकन करने के बाद अगर मोहन भागवत ने अगर वर्तमान सरकार पर हमला किया है, ये काबिले गौर है। अब मैं मोहन भागवत जी को बहुत 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 बधाई देता हूँ कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर संघ के पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नज़रअंदाज करके अवहेलना की गई, उसके लिए अगर उन्होंने टिप्पणी की है तो बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। ठीक है। खाली भाजपा पे नहीं, विपक्ष पे भी उन्होंने कहा कि ऐसे लोग थे जो राम को नहीं मानते थे, उनको वो भी सीमित रह गई सीटें। आदरणीय मोहन भागवत जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं, लेकिन बहुत ही लेट बोले उन्होंने। जब बोलना चाहिए था तब नहीं बोले, अब बोल रहे हैं, समझे। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूंक पुनिका पस्तानी, ये बहुत पहले लोगों ने कहा था। मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं आज, टिप्पणी कर रहे हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जो है तानाशाह हो गए थे और सारी शक्तियां इनमें निहित हो गई, ठीक वही बात है, सच्चाई वही है। अब जाके बोले हैं मोहन भागवत जी कि ये है, अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब इनकी जो है 303 के बाद जो है 240 पे आके अटक गए, और यहाँ तक कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हमें जो है आरएसएस की कोई अब जरूरत नहीं है, तब जब इतनी बड़ी टिप्पणी जो है भाजपा के लोग, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तब जाके जो है चुनाव के बाद बोल रहे हैं मोहन भागवत जी, और तब टिप्पणी कर रहे हैं किन्हें मणिपुर पे भी ध्यान देना चाहिए था, क्यों नहीं गए, और तमाम समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए था। और उन्होंने कहा विपक्ष तो अपना जो है, जो विपक्ष का दायित्व है वो तो निभाएगा ही, वो तो बोलेगा ही, तो उसको सुनना चाहिए, वो सरकार में जो होता है उसको सुनना चाहिए, उनकी बात सारी गलत नहीं हो सकती, कुछ सही भी बात होती हैं। ठीक है। शोभा जी बहुत दिन बाद मिले हैं आप, ये बताइए कि जिस तरह से इंद्रेश कुमार का बयान, मोहन भागवत का बयान, पूरे संघ का बयान आ रहा, तो बीजेपी तो टारगेट है ही, विपक्ष भी टारगेट है कि राम को नहीं मानने वालों को भी जो है वो राम ने बता दिया कि आखिर आपकी उत्तर प्रदेश में और देश में क्या स्थिति होने वाली है। देखिए, भगवान राम के मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, ये बात किसी से छिपी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के ही मजबूत पैरवीकारी कारण, सरकार में मजबूत पैरवीकारी कारण हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया था, डबल बेंच का आया था, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो हम इससे भी ज़्यादा भव्य मंदिर बनवाए होते, और जो मंदिर के जमीन घोटाले और ये बनाने में जो घपले घोटाले हुए, और जो महंतों का हक मार दिया गया साधु संतों को, वहाँ जो प्रधानमंत्री के खास लोगों को केयर टेकर बना के सारे संपत्ति का मालिक बना दिया गया, और ऐसा भी लगता है कि भगवान का दर्शन करने जाए और आप उसके ठेकेदार होकर टैक्स वसूलेंगे, आप लाइन लगवाएंगे, मतलब भगवान का दर्शन करने तो कोई कभी किसी समय चला जाता था, कभी लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वनाथ जी, अयोध्या जी, अब जनता को भगवान दर्शन करने के लिए बताइए टैक्स देना पड़ रहा है। तो आप ये बात जनता को नहीं समझा पाएंगे। राम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वो इंद्रेश जी गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होते तो एक से तो हमारी संख्या 6 हो गई उत्तर प्रदेश में, हमारा वोट प्रतिशत देख लीजिए आज हम कहाँ खड़े हैं, 7 गुना ज़्यादा हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत का फायदा हुआ है, आज हम 47% 48% वोट पर खड़े हैं, और पूरे देश में 1000 से कम अंतर से 130 से ज़्यादा सीटें भाजपा जीती है, तो मतलब अगर 1000-1500 वोट अगर हमारी तरफ आ रही भी, ऐसी बहुत सारी सीटें जिसमें 1000 वोट पा जाती बीजेपी, ठीक है, तो मुझे उत्साह की बात है, क्योंकि हमने पहल नहीं की सरकार बनाने की। जिस दिन हमारी पार्टी पहल करेगी,
24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी और भारतीय जनता पार्टी 240 से 41 नहीं हो पाएगी, जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 271 से 72 नहीं हो पाए थे। और भाजपा में आप विद्रोह देख लीजिए, मतलब प्रधानमंत्री जी और उनके गृह मंत्री जी इतना तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है कि अब लोकतंत्र ही नहीं बचा है। एक थोड़ा संघ इनको कोचवान का काम करता था, अब संघ के प्रमुख खुद ही रो रहे हैं मोहन भागवत जी। ठीक है, आपसी टकराव, ठीक है, संघ के इशारे पर कभी बीजेपी चलती थी, संघ पूरी फील्डिंग करती थी, आप जिस तरह के बयान आ रहे हैं इससे एक बात साफ है कि आपस में कुछ ना कुछ दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो कुछ ना कुछ है, दरअसल कुछ ना कुछ भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व था वो मिसगाइड हुआ है, वो अहम में रहा, अहम में रह करके कोई भी व्यक्ति जब अहम में आ जाता है तो उसका पतन जरूर होता है, और उसी का पतन का कारण रहा है और कुछ नहीं। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें सबसे बड़ी आज 1991 से जिसने 200 का आंकड़ा नक्राश किया हो और 90-99 पर रह जा रहा, 1991 से कोई ऐसी पार्टी नहीं, 84 में सिर्फ वो उनको सरदारों को मरवा करके वो सहान जो इंदिरा जी मारी गई सरदारों वाले में, तो वह सहानुभूत के वोट में से जा करके कांग्रेस एक बार 415 सीटें पा गई, और उसके बाद से 1991 से हमको बता दे कांग्रेस कहाँ पर रही। लेकिन यह है कि गलती कुछ हुई है, जिनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने भोगा है उसका आज वो 99 सीट पे ये लोग आ गए हैं, और कुछ नहीं, वो सब दुरुस्त हो जाएगा। फिर देखिए 2029 में तक का ये सरकार चलेगी, कहीं कोई इसमें दो राह ही नहीं। जब तुम 25 लोगों को मिला करके तुम्हारे पास कभी भी 200 का आंकड़ा क्या 1991 से नहीं क्रॉस किए, तुम 10 लोगों को मिला करके तुम सीट बना, तुम क्या बनाओगे? देश को बेच करके रख दिया, देश को ला करके यहाँ खड़ा कर दिया, वो बता रहे हो हमने बस सब कुछ किया है। राम राम तो सबके हैं, राम कौन कह रहा है उसके हैं, तुम बनवा तो देते, तुमने आज तक पहल कब की? तुमने तो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ तुष्टिकरण की, वह देवराहा बाबा के कहने पे राजीव गांधी कहते। यही तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि जिसने बनवाया उसको घमंड हो गया, जिसने 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 विरोध जिसने जिसने विरोध किया वो भी साफ हो गया। तो मतलब उनका इशारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे भी था, खाली बीजेपी पर ही नहीं टारगेट। नहीं नहीं, हम लोग साफ नहीं हुए, हम लोग बहुत मजबूती से आए हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से, कांग्रेस पार्टी में कभी किसी प्रकार का घमंड नहीं रहा। कभी आप कांग्रेस के मुंह से नहीं सुने होंगे कि मैं 400 पार करूंगा, संविधान ख़त्म कर दूंगा, तानाशाही अपनाऊंगा, ये हमारे पार्टी में कभी नहीं। हमारी एक संस्कार वाली पार्टी है। और रह गया भारतीय जनता पार्टी की, जो अभी महासंघ के माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि लेकिन अब क्या होता है, अब पछताने का हुआ है, जब चिरई चुन गई खेत। आप जो 10 साल जो है गुजरातियों से हमारा देश लूट गया, तो आपके मुंह से जबान नहीं खुली। आवाज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब दंड दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो आप कह रहे हो कि जो है ये मर्यादा भूल गए मोदी जी, अमित शाह जी, ये तो 10 साल से मर्यादा भूल रहे हैं। इस बार तो मुजरा पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए, भैंस पे आ गए। तो ये चुनावी चुनाव के पीरियड में भी जो प्रधानमंत्री के पद पे रहे, वो अपने मतलब मान सम्मान और मर्यादा का ख्याल ना रखे। एक मुजर जहाँ महिलाएं नेता हैं, नवयुवक नेता हैं, तो जनता ने इनको जो है शराप दे दिया है। अब इस बार 240 अब आए हैं, अगली बार ये 40 पर ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया कि संघ को समझने में दिक्कत हो गई भाजपा को, और संघ इतना जो है नाराज हो गया बीजेपी से, अभी तक बैकअप? देखिए, घमंड तो रावण का टूट गया था ही, तो बीजेपी वाले क्या हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को भगवान राम समझ गए थे, और ये बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी को हराया है, क्योंकि बीजेपी का गया वो विधायक हो चाहे नेता, उसकी नहीं सुनी जाती थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश की सुनी जाती थी, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की। पहले मोदी जी जय श्री राम बोलते थे, अब वो जगन्नाथ बोल रहे हैं। तो इनका खेल अयोध्या की जनता ने ख़त्म कर दिया है। जो अयोध्या नहीं जीता पाए, वह उत्तर प्रदेश भी अब क्या जीता पाएंगे? 2027 को सफाया दें। अरे जिस तरह का मोहन भागवत का बयान आया है, भाजपा पे तो बुलाया हमला उन्होंने, लेकिन ये भी कहा है कि जो विपक्ष है वो दरअसल राम को नहीं मानता था, शायद यही वजह को आगे नहीं बढ़ पा रहा। 2025 में इनका 100 साल वहाँ होने वाला है, 100 साल के हो जाएंगे आरएसएस, अगले साल इनका 100 ईयर है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, उन्हें अपना अपमान अभी क्यों याद आया जब
240 सीटें आईं। जब चौथा या पांचवा राउंड था तब नड्डा ने कहा था हमें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तभी कर देते तो शायद आज इंडिया गठबंधन की सरकार अपने देश के पटल पर होती। महत्वपूर्ण ये रहा कि जिस तरह से पूरा चुनाव दिखाई पड़ा, बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी, जो कांग्रेस सपा का गठबंधन था वो जीता। अगर हम बात करें तो जैसे आप अभी तक चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सारी सीटें कांग्रेस 1000 वोट से हार गई, तो बीजेपी भी तो 1000 वोट से हारी है। आम लोगों का साफ कहना था कि उनका विरोध मोदी का नहीं है, विरोध वहाँ लोकल प्रत्याशी का था। जो कैलकुलेशन निकल के आया उसमें लगा कि अगर प्रत्याशी बदले गए होते तो बीजेपी कितना सीटें और बढ़ जाती। देखिए, भाजपा ने कई जगह प्रत्याशी बदला भी और वहाँ हारी भी। यहाँ प्रधानमंत्री जी का तो विरोध है ही, बेरोजगारी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा है और संविधान खत्म होने का तो था ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ब्राह्मणों की खास नाराजगी है। आप केवल ब्राह्मणों पर कार्रवाई किए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो छवि बनी है भारतीय जनता पार्टी की कि घनघोर ब्राह्मण विरोधी की, और ब्राह्मणों की हत्याएं हो भी रही हैं। आज कानपुर में देख लीजिए, एक डॉक्टर 5वें तल्ले से गिर गई, मर गई। ये हो क्या रहा है कि ब्राह्मण ही मर रहा है पूरे प्रदेश में, हजारों ब्राह्मण से ऊपर मारे गए, उनकी हत्याएं हो रही हैं। भाई, विकास दुबे का आपने इनकाउंटर करा दिया, लेकिन बताइए उनके साथ जो लड़के थे, वो जो महिलाएं थी, उनका तो अधिकार नहीं होता है ना? किसके घर जाएंगी, कहाँ शादी होगी, उनके परिवार के लोग कर देते हैं, और आप विधवा महिलाओं से जोर आजमाइश कराते हैं और कहते हैं मैं छत्री हूँ। अरे, आप गाय और ब्राह्मणों पे अत्याचार करके अपने को छत्री होने का दम भरते हैं। घनघोर ब्राह्मण विरोधी सरकार है। कह रहे संतोष शुक्ला कौन था जब विकास दुबे ने वो थाने के अंदर घुस के मारा था? संतोष शुक्ला कौन था? वो ठाकुर था, संतोष शुक्ला थे, और तमाम ऐसे मारे गए थे, और जो जो उसमें गए थे सीओ साहब, वो कौन थे? वो पंडित थे। अब आप पंडित, यहाँ पंडित और उसका बात नहीं। हमारी चर्चा का मुद्दा दूसरा था। ऐसा क्या हो गया कि जो संघ बीजेपी के लिए बैकअप करता था आज वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है? आज बीजेपी को शायद उस संघ की जरूरत नहीं है, आखिर ऐसा क्या हो गया? नहीं, बीजेपी को हर व्यक्ति की जरूरत है, पूरे समाज की जरूरत है, सब समाज की जरूरत है। हो सकता है कहीं में कहीं वो गलती हो गई होगी जो आदमी के अंदर होती है, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं वक्तव्य निकल गया होगा। अब संघ जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, उसके पहले से संघ है, संघ तो बहुत पहले से 1925 से भारतीय जनता पार्टी का, वो तो 1980 में बनी है पार्टी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। संघ की विचारधारा सही है। पॉलिटिक्स की समझ आप रखते, किस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है आपको कम से कम इस बयानों के बाद? तस्वीर दिखाई पड़ रही है जैसे बेरोजगार परेशान है, महंगाई चरम पर है, आप देख रहे 10-10 पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, तो नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी जो है पीड़ित हैं, और बदलाव की जो भावनाओं से सबने अभी वोट किया, और 27 में पूर्ण रूप से बीजेपी जो है प्रदेश से गायब हो जाएगी। ठीक है, जनता के अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। एक बात लेकिन साफ है कि जिस तरह से ये बयान आ रहे हैं उसने इस बात का संकेत दे दिया है कि बीजेपी की जो सीटें उत्तर प्रदेश में कम से कम हुई है उसमें उसका जो मैनेजमेंट था वो फेल साबित हुआ। लखनऊ से उड़े समीर कणकी के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।